हेलो स्टूडेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पॉलीमर्स क्या होते हैं और रेयन फाइबर के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे नायलॉन और पॉलिएस्टर के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ मेंशन कर रखा है नायलॉन की प्रिपरेशन, उसके यूजेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो नायलॉन फाइबर है इसके अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था, जबकि हमने रेयन में पढ़ा था कि रेयन जो है सेमी सिंथेटिक फाइबर है। ये कब प्रिपेयर किया गया? इट वॉज प्रिपेयर्ड इन 1931। और जो ये नायलॉन वर्ड है इट इज एन एक्रोनिम ऑप्टेन फ्रॉम टू सिटीज, दो सिटीज के एक्रोनिम से इसे ऑप्टेन किया गया है। क्या है? न्यूयॉर्क से NY लिया गया और लंदन से LON वर्ड लिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, तो इसको कैसे प्रिपेयर किया गया? इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कोल, वॉटर एंड एयर। और ये बता दिया मैंने कि कब प्रिपेयर किया गया था, 1931 में प्रिपेयर किया गया था। फुली सिंथेटिक फाइबर है ये। अगर हम इसके कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो कॉमन एग्जाम्पल है नायलॉन 6,6, जिसका मोनोमर जो है, जो नायलॉन 6,6 है सबसे फेमस नायलॉन है, और इसके जो मोनोमर है वो क्या है? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, ये इसके मोनोमर्स है। मतलब इन दोनों मोनोमर्स से मिलकर ये जो है नायलॉन 6,6 बना है। और अगर हम इसके और एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास और एग्जांपल्स इसके हैं, जैसे नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 6,10, नायलॉन 2, नायलॉन 6। अब ये जो है, ये जो नंबर्स हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? नायलॉन 6,6 यहां पर क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है कि इसके दो मोनोमर हैं और दोनों मोनोमर में कितने कार्बन है? 6 कार्बन एटम एडिपिक एसिड और 6 ही कार्बन एटम जो है वो हमारे पास इसमें हेक्सामिथाइलिन डायमीन में है। इसी तरह नायलॉन 6,6 में, जो नायलॉन 6 है इसका मतलब ये सिर्फ एक मोनोमर से मिलकर बना है, सिंगल मोनोमर है इसमें और इसमें कितने? 6 कार्बन एटम है। नायलॉन 2, नायलॉन 6 जो है ये क्या है? इसमें दो मोनोमर्स हैं और पहले मोनोमर में दो कार्बन एटम है और दूसरे मोनोमर में जो है वो 6 कार्बन एटम है। और ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल नायलॉन है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसे डिग्रेड कर सकते हैं। नायलॉन 6,10 की बात करें हम तो नायलॉन 6,10 भी दो मोनोमर से मिलकर बना है और उसमें एक मोनोमर के पास तो 6 कार्बन एटम है और दूसरे मोनोमर के पास 10 कार्बन एटम है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन कर रखी है कि नायलॉन जो है इट हैज हाई स्ट्रेंथ फाइबर, इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा इलास्टिक नेचर का होता है ये। नायलॉन थ्रेड जो है इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर, इसका जो थ्रेड है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये लश्रस है और इसको वॉश करना बहुत आसान है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज की बात आ रही है हमारे पास। अब अगर इसके यूजेस की हम बात करते हैं तो यूजेस यहां मैंने मेंशन कर रखे हैं आपके सामने कि क्योंकि इसकी हाई स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी इसकी ज्यादा है, इसीलिए इसका यूज जो है वो कहां किया जाता है? फिशिंग नेट बनाने के लिए किया जाता है, क्लाइंबिंग रॉप्स बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा है, सीट बेल्ट बनाने के लिए किया जाता है, स्लीपिंग बैग, स्ट्रिंग ऑफ बैडमिंटन, जो बैडमिंटन की जो स्ट्रिंग होती है, और जो टेनिस के रैकेट्स होते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम क्लोथ की बात करें तो ये जो नायलॉन है, नायलॉन से साड़ीज बनती हैं, सॉक्स बनते हैं और स्टॉकिंग्स बनते हैं। ये जो है इसको वूल के साथ मिक्स किया जाता है ताकि वूल की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो सके, क्योंकि वूल जो है वो सॉफ्ट होता है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती। इसका इस्तेमाल किया जाता है टेंट्स बनाने के लिए, एम्ब्रेलास बनाने के लिए, पैराशूट्स बनाने के लिए, और जो टूथब्रश के जो टूथब्रश है, जो उसके ब्रिशल्स होते हैं, ब्रिशल्स उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी इसमें हमने बात की नायलॉन की कि नायलॉन जो है वो फुली सिंथेटिक फाइबर है। क्या इसका ये जो एक्रोनिम है ये कौन से दो सिटीज से लिया गया, किससे प्रिपेयर किया गया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी और इसके यूजेस क्या थे। अब हम बात करेंगे पॉलिएस्टर। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक पॉलिएस्टर। इससे पहले हमने किया है नायलॉन। तो पॉलिएस्टर जो है, पॉलिएस्टर जो ये वर्ड है, पॉली मीन्स मैनी, एस्टर जो है एक केमिकल ग्रुप है जिसकी स्वीट स्मेल होती है, इट हैज अ फ्रूट लाइक स्मेल। तो इसका जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या है? एस्टर। और यानी इसका जो मोनोमर है
एस्टर, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, पॉलीएस्टर। और ये जो एस्टर है, एक्चुअल में एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से मिलकर बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से मिलकर बनता है। और इसकी कैसी स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है, फ्रूट लाइक स्मेल होती है। पॉलिएस्टर क्या है, पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, फुली सिंथेटिक फाइबर है ये। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक्सीलेंट वॉश एंड वेयर की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, जिसके कारण इसे मिनिमम केयर की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ एक पॉलिएस्टर की, तो पॉलिएस्टर को जब हम कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीकॉट, और पॉलिएस्टर को वुल के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है पॉलीवुल। और इसी तरीके से पीईटी जो है, ये पेट फैमिलियर फॉर्म है पॉलिएस्टर का। ये जो पॉलिएस्टर है, हम टायरिलिन की बात करेंगे, पॉलिएस्टर की फेमस एक पॉपुलर फॉर्म जो है वो टायरिलिन है, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉलीकॉट। और पॉलीवुल वो किस नाम से जाना जाता है, वो टायरिवुल एंड टेरिकॉट के नाम से जाना जाता है। तो जो टायरिलिन है ये एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है, जिसे हम क्या कहते हैं, डैक्रॉन कहते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि डैक्रॉन क्या है या माइलर क्या है, तो डैक्रॉन या माइलर के नाम से जाना जाता है टायरिलिन। और टायरिलिन है क्या, टायरिलिन जो है वो पॉलिएस्टर है जिसका जो मोनोमर है वो एस्टर ग्रुप है। अब टायरिलिन को जब हमने मिक्स किया वुल के साथ तो ये क्या कहलाया, टायरिवुल कहलाया। और टायरिलिन को हम मिक्स कर देते हैं कॉटन के साथ तो इसको क्या कहते हैं, हम टायरिकॉट कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में क्या है, ये इसकी रिंकलिंग नहीं होती, जल्दी सिकुड़ता नहीं है, तो इट रेजिस्ट रिंकलिंग, इट एब्जॉर्ब लिटिल मॉइस्चर, कम पानी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण इसको वॉश करना बहुत आसान है। और क्योंकि मॉइस्चर को कम एब्जॉर्ब करता है, वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है, तो ये ड्राई क्विकली, ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है। अब ये कैसा है, ये स्ट्रांग है, लाइट वेट है और इलास्टिक फाइबर, इलास्टिसिटी है इसमें, लाइट वेट है और साथ के साथ इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है। अब अगर इसके यूजेस की हम बात करते हैं तो यूजेस में हमारे पास क्या आया, क्योंकि इट इज इजी टू वॉश, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसलिए इससे बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स बनते हैं। इट इज इजी टू वॉश, देयरफॉर सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। कौन से ड्रेस मटेरियल्स, लाइक साड़ी, कर्टन्स और अदर स्कर्ट्स, इस तरह के ड्रेस मटेरियल जो है वो बनाए जाते हैं। ये जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छा यूज है, इसका इस्तेमाल किया जाता है मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स, जो रिकॉर्डिंग टेप्स होती हैं, जो हमारी ऑडियो या वीडियो कैसेट्स में यूज होती हैं, उसको किससे बनाया जाता है, उसे पॉलिएस्टर से बनाया जाता है। और अभी हमने पेट की बात की, पीईटी की, तो ये क्या है, पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्थेलेट है इसकी फुल फॉर्म जो है। ये किसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बॉटल्स बनाने के लिए, अभी हमने कहा कि फिल्म बनाने के लिए किया जाता है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स बनाने के लिए किया जाता है, यूटेंसिल्स बनाने के लिए किया जाता है, और बहुत तरीके की वायर्स बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इस पूरी वीडियो में हमने दो सिंथेटिक फाइबर्स को डिटेल में करने की कोशिश की है, जो कि क्या था, नायलॉन और पॉलिएस्टर। बाकी के बचे हुए जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जैसे एक्राइलिक फाइबर है और स्पेंडेक्स है, इनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।